बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली और मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगी हैर हरियत से होंगी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है स्पैगेटी। स्पैगेटी बहुत तरह से बनती हैं, मैं लेकिन आपके लिए चाउमीन बना रही हूँ स्पैगेटी का। ये बहुत ही यम्मी लगता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है, तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनना है। मैंने चाउमीन के लिए एक कढ़ाई ली है नॉनस्टिक, इसमें मैं डालूँगी पहले 1 लीटर पानी। यह देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैं फिर स्पैगेटी डालूँगी, नमक, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये मैंने पानी उबलने रख दिया है, अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना मैंने नमक ऐड करना है। ये देखें नमक के बाद मैंने डालना है इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डालना है। ऑयल डालते हैं कि स्पैगेटी जो है ना वो चिपकती नहीं आपस में, ऑयल इसलिए डालता है इसमें। अब ये जो स्पैगेटी है ना ये लंबी हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ लेना। ये देखिए सिंपली इसमें मैंने ऐड कर देना सारी को। मैंने पकड़ पकड़ के ना 2-2 हिस्सों में ना, मेरे पास ये मैंने एक पैकेट लिया है, ऐसे सिंपली पकड़ना है, बीच में से तोड़ना है, ये ऐड कर देना। ये देखें मैंने सारी ऐड कर दी है इसमें। अब मैंने इनको सिंपली हिलाना है थोड़ा सा, और मैंने इसको 15 मिनट के लिए ना इस पर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख देना। ये देखें मेरी प्यारी बहनें, हाफ डन मेरी हो गई है। मैंने इसको ना एक दफ़ा इसका ढक्कन उठा के इसको स्टिर करना है। ये देखें हाफ डन मेरी हो गई है, एक दफ़ा बिल्कुल चिपके ना, इसके वजह से हमने इसको स्टीर करना है। देखिए ये देखिए मेरी प्यारी बहनें, मेरी स्पैगेटी ना डन हो गई है। अब मैं इसको ड्रेन करके फिर आपको बताती हूँ। मेरी प्यारी बहनें, मैंने स्पैगेटी को ड्रेन कर लिया। अब मैं ना 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डालना है, बस इसी में मैंने अब डाल देना है। रफली चॉप किया हुआ मैंने प्याज डालना है 1 अदद। देखिए मेरी प्यारी बहन, मेरा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब मैंने इसमें 2 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये मैंने ऐड कर दी। ये देखिए मेरी प्यारी बहन, मेरा प्याज और हरी मिर्चें थोड़ा सा फ्राई हो गया है, कलर नहीं ज़्यादा चेंज करना इसका। इसमें मैंने 1/2 kg मैंने चिकन लिया हुआ है, क्यूब में काटा हुआ है। ये देखिए लंबी लंबी मैंने क्यूब्स काटी हुई हैं, ये ऐसे ये मैंने ऐड कर देना। मैंने चिकन ऐड करके मैंने चिकन को फ्राई करना अच्छी तरह, मैंने चिकन को ना फ्राई होने देना। ये देखिए मैंने मेरी प्यारी बहन ने 3 मिनट के लिए चिकन को फ्राई किया है। अब मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ना नमक डालना है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ना ब्लैक पेपर डालना है, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास ओरिगैनो है, ये मैंने ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास ब्लैक वाइट पेपर है, ये मैंने ऐड कर लिया, इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छा आता है ना। इनको चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए अब मैंने इसमें डालना है 1/2 कप मैंने सोया सॉस डालनी है। ये देखिए कप मैंने इसमें चिली सॉस डालनी है। ये देखिए एक कप मैंने इसमें टमाटो सॉस डालनी है। अब मैंने इनको ना अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए
ये देखिए मेरी प्यारी बहन, ये मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। अभी इसकी गाढ़ी सी सॉस तैयार होगी, चिकन भी हमारा इसी में कुक हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। टेंडर हो गया है, अब मैंने इसमें ना वेजिटेबल ऐड करनी है। मैंने एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, ये एंड पे डालनी है कि क्रंची रहे। ये देखिए एक अदद मैंने लंबी शिमला मिर्च काटी है, ये मैंने ऐड कर देनी है। देखिए बंद गोभी ली है एक अदद मैंने, वो भी ऐड कर देनी है। मैंने इसको भी लंबे लंबे स्लाइस में ना काटा है, ये देखिए। और मेरे पास कैरेट है, इसको मैंने श्रेडेड किया है क्योंकि बच्चे नहीं खाते, अगर काटे हैं ऐसे तो ऐसी फॉर्म में बच्चे खा लेते हैं। ये भी ऐड कर देनी है साथ ही। एक अदद मैंने प्याज काटा हुआ है, वो भी मैंने ऐड कर देना। अब मैंने सारी सब्जी को ना इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह। ये बहुत ही यम्मी लगती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और मेरी बहनें आप भी ट्राई किया करें नई नई रेसिपियाँ, और बच्चों को फ्लेवर दिया करें, घर में ही चेंज दिया करें। बच्चे एक ही चीज़ें खा खा के तंग आ जाते हैं और बाहर की डिमांड करते हैं। ऐसी चीज़ें आप घर में बनाएंगे, बच्चे बाहर की डिमांड नहीं करेंगे कि हमने बाहर से कुछ खाना है। अब मैंने सारी वेजिटेबल को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैंने इसको दो तीन मिनट के लिए ना इसको मैंने ढक्कन बंद करके ना इसको दम पे लगाना है, सिर्फ दो तीन मिनट के लिए। और मेरी प्यारी बहनें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें आप। अब मेरा ये सब्ज़ी जो है थोड़ी सी टेंडर हो गई है, वह मगर क्रंची रहेगी। अब मैंने इसमें ना ये जो मैंने उबाइल की हुई है ना स्पैगेटीज, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए पूरी डाल दें, बाद में मिक्स कर लें। ये देखिए मेरी प्यारी बहनें, ऐसे आपने ना स्पैगेटीज को खोलना है हल्के हाथों से। फिर इसको मेरे पास ये स्टिक्स हैं, इनके साथ हमने इसको ऊपर नीचे करना है। ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस चाउमीन का। ये देखिए मेरी प्यारी बहनें, मैंने इन सबको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैंने इसको दम पे लगाना है। ये मेरी चाउमीन रेडी हो गया, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको सर्व कैसे करना है आपने।